वैशाली जिले के जंदाहा प्रखंड के दुलौर गांव में पहुंचे लालू प्रसाद यादव, जहां श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर सोनेलाल सहनी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजद अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सह सराय रंजन विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी अरविंद सहनी ने की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव उपस्थित थे। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि सोनेलाल सहनी एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, उनकी जगह को भरने के लिए पूरे समाज को एक साथ होकर विचार करना होगा। मैं पूरे राष्ट्रीय जनता दल परिवार की ओर से स्वर्गीय सोनेलाल सहनी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। उनके पुत्र अरविंद कुमार सहनी सामाजिक न्याय की लड़ाई में हमेशा हमें साथ दिया है। सामाजिक न्याय की लड़ाई को और प्रखर करना है। ऐसे समय में सोनेलाल सहनी जी के स्थान को भरने के लिए आप सब लोग को करना चाहिए, इकट्ठा होना चाहिए पूरा मजबूती के साथ। मैं अपने पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से सोनेलाल सहनी जी को उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और हमेशा उनको याद मैं करता रहूँगा। जब वो जीवित थे मैं आया था, मिला था और उन्होंने काफी मेरा साथ दिया। उनके पुत्र अरविंद सहनी लगातार इस लड़ाई को, सामाजिक न्याय की लड़ाई की झंडा को बुलंद किए हुए हैं। मैं उनको पूरा साधुवाद देता हूँ और आपका पूरा साथ देता हूँ। आप सभी लोगों को और सभी लोगों की तरफ से सोनेलाल सहनी जी को उनके चरणों में श्रद्धांजलि।